हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अमेजिंग सीरियल की रिव्यू लेकर आई हूँ मैं आपके पास, जिसका नाम है बेपनाह। ये वूट पर अवेलेबल है, जियो सिनेमा पर भी है, आप कहीं भी देख सकते हो इसे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच। तो ये आप दो कपल देख रहे हो, एक तरफ है यश और जोया, दूसरी तरफ है आदित्य और पूजा। ये बहुत ही खुश है अपने शादीशुदा ज़िंदगी में। तो जोया जो है वो मतलब एक शिमला में रहती है अपने हस्बैंड के साथ। वहीं पर एक बार आदित्य से उसकी मुलाकात होती है एक गिफ्ट शॉप में, इसी शॉप में हम देख सकते हो। थोड़ा बहुत बेस होता है, ये दोनों को जो है अपने हस्बैंड वाइफ के लिए एक ही गिफ्ट पसंद आता है। फिर दोनों के पास कॉल आता है कि उनका जो हस्बैंड वाइफ है उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो अलग अलग से जोया और आदित्य जब पहुंचते हैं एक जगह पर कार के पास, तो देखते हैं कि जोया का जो हस्बैंड है यश और आदित्य का जो वाइफ है पूजा, वो दोनों एक साथ हाथ पकड़ के जो है है, और दोनों का ही जो है मौत हो चुका है एक्सीडेंट में। लेकिन वो दोनों मतलब एक अलग अलग हस्बैंड वाइफ क्या कर रहे थे एक साथ, तो सभी को ये पता चलता है कि उनका जो है एक अफेयर था और वो लोग छुप के जो है वहाँ पर मिले थे। तो फिर उनका जो है मौत हो गया। तो जोया जो है अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, दूसरे तरफ आदित्य भी पूजा जो उसके बचपन के फ्रेंड थे उससे भी बहुत प्यार करते थे। दोनों की जो लाइफ है वो एकदम मतलब मैं क्या कहूँ, बिल्कुल मतलब वो लोग पागल जैसे हो जाते थे क्या हो गया इनके साथ, क्योंकि उनको कुछ खबर ही नहीं था कि उनके ऊपर चीट हो रहा था। उसके बाद जो है जोया मुंबई आते हैं, और मुंबई आने के बाद वो आदित्य से उसका थोड़ा बहुत लड़ाई होता है, क्योंकि दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था इन केस के ऊपर वो बहुत ही डिफरेंट था। तो आदित्य को ऐसा लगता है कि उन लोगों ने चीट किया है और आदित्य को बहुत ज़्यादा नफरत होता है। दूसरी तरफ जोया जो है उसका प्यार अभी भी बरकरार था और उसे लगता है कि कुछ ना कुछ होगा शायद, मतलब हमारा कुछ गलती होगा जिसके लिए ये सब हुआ है। फिर जो है यश की जो कंपनी थी देखा जाता है, उसमें जो है बहुत सारे पैसा पूजा ने आदित्य से लेकर दिया था, और यश की जो कंपनी है वो डूबने की तक का कगार पर है। तो जोया जो है वो क्या करती है, वो उस कंपनी की जो है वाल ले लेती है अपने ऊपर कि वो उस कंपनी को संभालेगी। लेकिन एज ए हाउस वाइफ उसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है दुनियादारी का। तो दूसरी तरफ आदित्य कहता है कि ये पैसा जो दिया गया था वो उसका पैसा था, उसका भी 50% हक है उस कंपनी में। तो दोनों एक साथ कंपनी में काम करना शुरू करते हैं। आदित्य का मोटिव था कि वो कंपनी को डुबा दे और अपना पैसा ले ले, मतलब एक काइंड ऑफ से आप कह सकते हो कि यश को बर्बाद कर दे। दूसरी तरफ जोया का जो मोटिव था वो था कि कंपनी जो है वो चल जाए। इसी दौरान दोनों में काफ़ी ज़्यादा टकरार होती है। फिर आदित्य बहुत हेल्प भी करते हैं जोया को, और दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती फ्रेंडशिप भी बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि एक्चुअली थोड़ा बहुत गलती जोया और आदित्य का भी था उन दोनों के रिलेशन ऐसे ख़त्म होने में। और एक डायरी भी अभी पूजा लिख कर जाती है कि कैसे वो लोग मिले थे, क्या क्या हुआ था, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी पूजा और यश में, और दूसरी तरफ आदित्य और जोया में भी बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ होते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत केस वगैरह भी चलता है, लेकिन एंड में जो है सब सही हो जाता है। तो उसके बाद देखा जाता है कि ये दोनों जो है माफ़ कर देते हैं अपने हस्बैंड वाइफ जो भी थे उनको, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर आदित्य कुछ महीनों के लिए जो है बाहर चले जाते हैं, फिर वापस आके देखता है कि जोया जो है बहुत चेंज हो गई है, बहुत खुश रहने लगी है, कंपनी को अच्छे से संभालने लगी है, और यश को जो है अपना फेवरेट दोस्त मानता है। फिर आदित्य को ऐसा रियलाइजेशन होता है कि वो जो है वो जोया को प्यार करते हैं और पसंद करने लगते हैं, जोया भी उसको पसंद करते हैं। फिर एक बहुत सारी लड़ाई के बाद जोया की एक और शादी हो मतलब हो ही नहीं होने ही वाली थी, तभी जो है ये दोनों की शादी हो जाती है। फिर शादी के बाद भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है इनके ज़िंदगी में, लेकिन एंडिंग जो है हैप्पी है। तो बहुत ही अच्छी सीरियल है, आप प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, एंड थैंक यू सो मच।